तुम्हें भूख लगी हो तो भोजन के प्रति राग आएगा कि नहीं आएगा। अब कोई ऐसा प्रश्न करे भोजन से राग करना कि नहीं करना, ये क्या मतलब भाई? और पेट भरा हो तो भोजन से राग करना कि नहीं करना, कि भाई ये व्यर्थ का प्रश्न है। अगर भूख होगी तो भोजन की याद आएगी आएगी, अगर भूख नहीं होगी तो बिल्कुल भोजन की याद नहीं आएगी। उसमें क्या क्या दम है? भोजन तो बहुत तरह के होते हैं, सब होते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर तुझे आत्मा से सच्चा प्रेम होगा तो तुझे देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय तत्व चर्चा वेद ज्ञान इनके राग आए बिना रहेंगे ही नहीं। और जिन जीवों को ऐसे राग नहीं आते और ऐसा कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान तो हुआ है लेकिन हम इन विकल्पों में उलझना नहीं चाहते, वे बिल्कुल कोरे हैं, उन्हें कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ। अब उल्टा करो कि कोई को ऐसा राग करता हुआ दिखे और वो उससे अपने को बड़ा माने, सो भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। दोनों ही बातें लेना, अगर उससे अपने को बड़ा मानते हो तो भी मिथ्या दृष्टि, और वैसा राग आता ही नहीं तो भी मिथ्या दृष्टि। इतनी आसान नहीं है ये बात, क्योंकि हम वो वाली बोलते तो तुम ये वाली पकड़ते, हम ये वाली बोलते तो तुम वो वाली पकड़ते, इसलिए हमने दोनों बोली। अब तीसरी नहीं पकड़ सकते, तीसरी है ही नहीं, समझ गए ना? वो क्या कह रहा हूँ कि क्यों कई लोग मुंह फुलो के घूमते हैं, थोड़ा शास्त्र पढ़ेंगे थोड़ा पूजा कर लेंगे धोती पहन लेंगे प्रक्षाल कर लेंगे तो एकदम मुंह फूल लेकर एकदम अपने को बड़ा समझते, तो भी मिथ्या दृष्टि है। और जो कहते हैं हमें तो इन विकल्प आते ही नहीं, तो भी मिथ्या दृष्टि है। तुझे देव शास्त्र गुरु की भक्ति का विकल्प नहीं आता, जिनेन्द्र देव के दर्शन करने का विकल्प नहीं आता, स्वाध्याय करने का विकल्प नहीं आता, कौन सी भूमिका में चला गया भाई, कौन सा गुणस्थान हो गया तुम्हारा? जब मुनिराज भी शास्त्र के अभ्यास के बिना नहीं रह सकते, वंदना स्तुति प्रतिक्रमण है ना, आलोचना प्रत्याख्यान भक्ति स्तुति है, ये सब मुनिराजों को होता है, छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती, तो कौन सी भूमिका में चला गया कि तू भगवान की पूजा में तू विकल्प कहता है? हाँ, लेकिन पूजा को उपाधेय माने, उससे धर्म माने, उसमें धर्म की कल्पना करे। सावधानी दोनों तरफ है रमेश जी, एक तरफ नहीं है। अगर उसमें उपाधेय बुद्धि हो गई तो वो भी उतना ही खतरनाक है जितना नहीं करना वाला।